अपना ज्ञान नहीं दिया ना, अपना धर्म अपना सनातन नहीं समझाया, इसीलिए बच्चों को मालूम नहीं। जो उसने बताया अपना मुस्लिमों का, तो वो उसने अपने बता दिया कि तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते। जो अपने धार्मिक संस्कार है वो फैमिली से आते हैं। आज आपने कौन सी फिल्म देखी? आज केरला स्टोरी देखी है, और धर्मेश भाई जोशी जो कि तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष चेयरमैन चेयर पर्सन है, और भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और संयोजक भी है, उन्होंने आज जो ये फिल्म बच्चे लोग को दिखाई, बुजुर्ग लोग को दिखाई, सारे सबको दिखाई, और ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि केरला स्टोरी इज अ ट्रू स्टोरी, और ट्रू स्टोरी के माध्यम से अगर केरला में जो फिल्म बनाई है वो एकदम बहुत बढ़िया बनाई है, मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज वेरी क्लियर कट है कि आजकल लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, माँ बाप दोनों सर्विस करते हैं, माँ बाप सर्विस जाते हैं, बच्चे तीसरे आदमी के हवाले पे रहता है, पहले फैमिली अपना जो था वो जॉइंट फैमिली था, अभी सेपरेट होने लगे हैं, बच्चे को किसी और के भरोसे पे छोड़ना पड़ता है, तो उनको जो एनवायरमेंट देना था जो जॉइंट फैमिली में मिलता था वो अभी नहीं मिल रहा। और दूसरा ये है कि जॉइंट फैमिली की में जो एनवायरनमेंट मिलता था उसमें वो अपने आप बच्चे सीख जाता है, वो खाता है छोटा वाला, बड़ा वाला खाता है वो छोटा भी खाने को लगता है, बड़ा वाला नमन करता है तो वो भी नमन करने को लगता है। तो अपने धार्मिक संस्कार है वो फैमिली से आते हैं, फैमिली के बाद में समाज से आते हैं, समाज के बाद में देश से आते हैं। ये तीनों जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म आज खत्म हो चुका है, क्योंकि अपने को कोई दिशा ही नहीं है, बच्चे लोग को हम दिशा नहीं दे रहे, मम्मी पापा जा रहे हैं सर्विस में, और वो आते आते वो बाकी जो आया है या कहीं भी बेबी सिटिंग में रखते हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, अभी कंदीवली में आपने देखा बेबी सिटिंग में क्या हो गया, तो ये एनवायरनमेंट से बच्चा को ही मालूम नहीं पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है, और माँ बाप को, समाज को और देश को, सबको साथ में रख के ये सब काम करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के माध्यम से सारे मंदिर इतने डेवलप किए हैं, आप काशी विश्वनाथ चले जाओ, इतनी छोटी गली में एक आदमी जाए तो दूसरा पास नहीं हो सकता था, आज वो इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया है, राम मंदिर भव्य बन रहा है, जनवरी 2024 में उसका रामलला जी का स्थापना होने वाला है, कहीं भी आप कॉरिडोर जाओ अंबाजी गुजरात में जाओ या स्वामीनारायण मंदिर तो बना ही रहे, जैन लोग बना ही रहे, लेकिन हिंदू धर्म की जो संस्कृति है वो अपने बच्चे को देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के फिल्म माध्यम से और एक मैसेज है कि बच्चा को अगर आपको लेके जाना है तो वीकेंड में कहीं भी पिकनिक पे मत लेके जाओ, मंदिर तीर्थ स्थलों पे लेके जाओ, धार्मिक स्थलों पे लेके जाओ, और धार्मिक संस्कार उसके पर डालो, क्यों कि धार्मिक जो एटमॉस्फेयर वहाँ पर है अगर आप उनको देंगे नहीं तो वो, आज जो फिल्म में बताया कि आपकी गलती है माँ बाप की जो हमको एक बताया नहीं, अगर एक थप्पड़ पड़ती है, पहले तो एक थप्पड़ में सारी मालूम पड़ जाता था, अभी तो उसको थप्पड़ क्यों मारा उसके पर केस होता है, तो ये नहीं चलता। बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगता है हर माँ बाप को एक फिल्म खानी चाहिए अपनी बच्चियों को, और पहले अपना धर्म का ज्ञान देना चाहिए, और ये फिल्म आपके दिखाना चाहिए कि देखो ये ट्रू स्टोरी है और प्रैक्टिकल बात है, तो आप ये देख के समझो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की फिल्में समाज में आनी चाहिए, पक्का आना चाहिए। तो जिस तरह से इस फिल्म में कहा गया है कि भगवान शिव तुम्हारी कैसे रक्षा करेंगे खुद अपनी बीवी को लेकर, वो जो उनको अपना ज्ञान नहीं दिया ना, अपना धर्म अपना सनातन नहीं समझाया, इसीलिए बच्चों को मालूम नहीं। जो उसने बताया अपना मुस्लिमों का, तो वो उसने अपने बता दिया कि तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते, मगर जब सच्ची बात जब उसे मालूम होती तो वो सामने आर्गुमेंट कर सकती थी कि नहीं हमारे भगवान ऐसा नहीं है, ये बात ये है, तो अपने ज्ञान इस फिल्म से बच्चों को बचा सकते हैं गलत रास्ते पे जाने से? पक्का बचा सकते हैं, उसको लाके बताना चाहिए, और पहले अपने घर से अपने धर्मों का ज्ञान देना चाहिए कि क्या अपना धर्म क्या है। मैं भी पास दूंगा, नजरिया अपना अपना रहता है, आधा ग्लास भरेला रहता है तो कोई बोलता है आधा ग्लास खाली है, और आधा ग्लास कोई पॉजिटिव आदमी बोलेगा आधा भरेला है, तो जो शिव का बोला ये बोला सब अलग अलग माध्यम से अलग अलग बातें करते हैं, वो अपना अपना नजरिया है, लेकिन जब बेस में जाओ तो फंडामेंटल जो राइट है, हम लोग हिंदू किसी की धर्म को आहत नहीं करते, किसी को बुरा नहीं मानते, और किसी को हम आक्षेप भी नहीं करते कि आप ऐसे है वैसे, हम बोलते हैं आप अपना करो, अब हम हमारा करते हैं, हम आपकी खुशी में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये मोदी जी का बहुत पहले से प्रयास है,
और जितने भी इधर धर्म का फैलावा करना है वो माँ बाप, फैमिली, समाज और देश, देश में मोदी जी कर रहे हैं और अलग अलग संत पुरुष है, महापुरुष है, वो कर रहे हैं। अभी फैमिली का बहुत बड़ा चैलेंज है, समाज के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है, पिकनिक करते ये करते उसको छोड़ना मांगता है और इधर लेके जाओ, धार्मिक स्थलों पर लेके जाओ।